आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बातों को अनदेखा कर परेशानी से घिर जाते हैं और ऐसे समय में हमें अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी से, जो पिछले कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो और एंजल कार्ड रीडर, हिप्नोसिस और अन्य कई विषयों की मदद से कई लोगों का यशस्वी रूप से मार्गदर्शन करती आ रही है। बॉलीवुड के कई सितारे भी इनसे परामर्श लेते हैं और अपने जिंदगी को सरल बना रहे हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी से। नमस्ते, मेरा नाम है गीतांजलि सक्सेना और आज के एपिसोड में हम मिले हैं एक और नए मूवी प्रोडक्शन के साथ। मूवी का नाम है किल और ये आने से ही पहले इसका जो मैं देख रही हूँ ऑल अराउंड यू नो जो बोल रहे हैं पिक्चर बहुत अच्छी रहेगी एंड पीपल आर रियली गोइंग टू लाइक इट, लेट्स सी हमारी टैरो और न्यूमरोलॉजी क्या कहती है इस फिल्म के बारे में। जो किल जो फिल्म है, अगर मैं उसका टोटल देखूं तो आता है नंबर 9 पे। 9 जो है वो मंगल का नंबर है, अग्रेशन का नंबर है, एक्शन का नंबर है। और जहां तक मेरा ख्याल है ये जो फिल्म है वो काफी अग्रेशन एक्शन बेस्ड फिल्म है और डेफिनेटली किल को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर वो एक्शन बेस्ड फिल्म है तो ये न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के थ्रू। और जो फिल्म का जो रिलीज डेट है वो है 5th of July 2024। 5 नंबर, बुध का नंबर, मर्क्यूरी का नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है ये मूवी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो साइकिक नंबर आ रहा है 5, डेस्टिन नंबर आ रहा है 2 जो क्रिएटिव नंबर है। तो 5 और 2 का और 9 का जो कॉम्बिनेशन है काफी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 2 और 9 का एक्चुअली इतना मित्रता नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, इसीलिए नंबर वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज इस फिल्म को 70-80% बेनिफिट मैं बोल सकती हूँ उनको मिलेगा ये डेट ऑफ रिलीज से। आइए देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। हाउ इज दिस फिल्म गोइंग टू बी, क्या ये फिल्म जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी हो रही है, जिस तरह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्या ये फिल्म उतनी ही अच्छी होगी, क्या ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। वैसे तो हम कितने स्टार्स देंगे वो डेफिनेटली हम बाद में बताएंगे। ये जो फिल्म है वो एक फिल्म अच्छी, वो फिल्म काफ़ी अच्छी रहेगी एंड इस फिल्म में काफ़ी पैसा लगाया गया है, काफ़ी पैसा लगाया गया है ये फिल्म को बनाने के लिए और ये फिल्म जो है ये उतना पैसा वापस देके जाएगी, इनफैक्ट ज़्यादा ही देके जाएगी ये फिल्म। मैं एक और बात बोलूँगी, और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती थी लेकिन जितनी भी बनी है काफ़ी अच्छी बनी है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं करण जौहर। करण जौहर का अगर मैं टोटल देखूँ तो आता है नंबर 9 पे, which is absolutely matching the total of Kill, which is also coming to number 9. Film jo hai wo release ho rahi hai 5 or 2 pe aur Karan Johar ka date of birth hai 25th of May 1972. 25th number 7 Ketu ka number hai. काफी emotional व्यक्ति होंगे, काफी spiritual व्यक्ति होंगे और उनका जो combination आता है वो 7 और 2 पे आता है। और अगर हम देखें तो ये फिल्म है वो नंबर 9 पे आ रही है। 7 और 2 का combination है और 9 का, तो ये 50% उनको सपोर्ट मिल रहा है द डे ऑफ रिलीज से। आइए देखते हैं एज अ प्रोड्यूसर क्या जो उन्होंने पैसा लगाया है इस फिल्म में, क्या उनको ये फिल्म किल से उतना पैसा वापस मिलेगा। 100% मिलेगा। दिस फिल्म इज रियली गोइंग टू डू वंडर्स। अगस्त के बाद जो ये फिल्म है इट विल टेक ऑफ टू अनदर लेवल। इस फिल्म को इंडिया के सभी लोग पसंद करेंगे, आउट ऑफ इंडिया में मुझे इसका बिजनेस दिख रहा है काफी अच्छा है, लेकिन इसको लगेगा अराउंड अगस्त के बाद ये सडनली एक बूम करेगी ये फिल्म और उनको डेफिनेटली इस फिल्म से बहुत पैसा मिलेगा ही मिलेगा। करण जौहर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25th of May 1972। 2-5 है, 7 नंबर है, काफी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, काफी इमोशनल व्यक्ति हैं और डेस्टिनी जो आ रहा है 4 पे। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत संघर्ष रहता है, बहुत ही एलिमेंट ऑफ स्ट्रगल्स, तकलीफें काफ़ी रहती हैं। अगर ये राहु और केतु की बराबर से पूजा करते रहे तो इनको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष बना रहा है इनके नंबर्स को लेके। तो ये फिल्म का जो है ना इनको 50-60% डेट ऑफ रिलीज से बेनिफिट मिल रहा है। निखिल के जो डायरेक्टर है वो है निखिल भट्ट। टोटल देखो ना निखिल भट्ट का तो आ रहा है नंबर 2 पे, काफ़ी क्रिएटिव नंबर है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में और सक्सेस चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, तो उसको अपना नंबर जो है ना एक अच्छे नंबर पे रेजोनेट करना चाहिए। तो अगर निखिल भट्ट अपने नंबर्स में एक 3 नंबर या डबल L के साथ काम करे तो उनका नंबर आ जाएगा नंबर 5 पे, जिससे उनका इंक्रीज हो जाएगा क्वोशेंट और वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ज़्यादा नेम और फेम कमा पाएंगे।
एज अ डायरेक्टर आइए देखते हैं कि कैसी रहेगी ये फिल्म उनके लिए थ्रू टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी वाइज ये फिल्म उनको 50-70% का बेनिफिट दे रही है डेट ऑफ रिलीज से एंड टोटल नाम से। टेल जो है वो नंबर 9 पे आ रहा है। 9 और 2 फ्रेंड्स नहीं है, मैंने पहले भी कहा है 9 और 2 फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है न्यूमरोलॉजी वाइज। आइए देखते हैं टैरो क्या कहता है एज अ डायरेक्टर, हाउ हैज ही बीन एज अ डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म, क्योंकि एक डायरेक्टर की बहुत अहम भूमिका होती है एक फिल्म को एक डायरेक्शन देने के लिए, उसके जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स सी एज अ डायरेक्टर वेदर ही इज बीन सक्सेसफुल और नॉट। ये जो फिल्म है डेफिनेटली अच्छी फिल्म है, लेकिन मिस्टर निखिल जो है निखिल भट्ट है इसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। ऐसा लग रहा है जब ये फिल्म कर रहे थे इनका दिमाग जो है ना ये बहुत ज़्यादा थोड़े से कन्फ्यूजन में थे। कभी ये चाहते थे कोई एक सीन को इस तरह से करे, कभी चाहते थे वही सीन को दूसरी तरह से करे, तो वो कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा जो फिल्म है ना 20-30% डाउन हो चुकी है। नहीं तो ये फिल्में डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता। और मैं एक और बात कहूँगी, ये डायरेक्टर तो है ये इस फिल्म के, लेकिन मुझे इनका असिस्टेंस आई एम सीइंग एटलीस्ट 2 पीपल अराउंड हिम हु हैव असिस्टेड हिम to make this film, that means assisted him in direction to make this film, उन्होंने उन लोगों की काफी बातें सुनी हैं, advice ली है। तो अगर मैं देखूँ तो निखिल भट्ट has done a good job for the film, अच्छा job किया है, इससे better वो कर सकते थे। इस film में हमें दिखेंगे as an actor लक्ष लालवानी, total आता है number 7 पे, बहुत ज़्यादा match करता है करण जौहर के number 7 से, because he is also born on 25, और अगर उनका date of birth देखें, लक्ष लालवानी का date of birth है 19th of April 1996, a combination of 1, 3 and 7. 1, 3, 7 एक दूसरे के साथ friends है, 7 number 3 का बहुत अच्छा friend है, 7 हमेशा 1 को follow करता है। अगर किल का हम total देखें तो आता है number 9 पे, तो ये जो numbers है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा support कर रहे हैं, तो लक्ष लालवानी को numerologically wise काफ़ी benefit है, the date of release से भी, plus ये जो नाम है किल से भी। आइए देखते हैं एज एन एक्टर लोग उन्हें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने कैसा काम किया है इस फिल्म में। एज एन एक्टर यस, उनके लिए काफी स्ट्रगलसम पीरियड रहा था, तो जो लक्ष लालवानी है इनके लिए ये जो फिल्म थी थोड़ी सी डिफरेंट फिल्म थी, इसके पहले शायद उन्होंने ऐसा कोई कभी काम नहीं किया था इतने बड़े पैमाने के ऊपर, लेकिन ही हैज डन क्वाइट अ डिसेंट जॉब। उनको जो मेंटर मिले थे मेंटर बहुत अच्छे थे जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा गाइड किया, तो एज एन एक्टर ही हैज गिवन हिज बेस्ट एंड उनको लोगों को डेफिनेटली लक्ष लालवानी का काम पसंद भी आएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है लक्ष्य से कि अगर वो अपना नंबर 1 पे ले आए तो उनको ज्यादा नेम एंड फेम मिलेगा रादर देन कीपिंग इट एट द नंबर ऑफ 7। हमको इस फिल्म में दिखेंगे राघव जुएल, राघव जुएल का जो टोटल आता है वो आता है नंबर 3 पे। 3 जो है वो अगर आप देखें तो 9 नंबर किल के साथ डेफिनेटली फ्रेंड्स है, और जो डेट ऑफ रिलीज है 5 और 2 का उसके कॉम्बिनेशन भी काइंड ऑफ ओके ही है। राघव जुएल का डेट ऑफ बर्थ है 10th of July 1991, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 1। जब मैं एक डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर सेम देखती हूँ तो ऐसे लोग एक पर्टिकुलर ध्येय, एक पर्टिकुलर एम्बिशन, एक पर्टिकुलर फोकस से आते हैं इस लाइफ में, और वो इस लाइफ में वो फोकस हासिल करके ही रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 जो है इसलिए उनको नेम फेम रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। उनका नंबर वाइब्रेट हो रहा है नंबर 3 पे, देखिए नंबर बहुत अच्छा है, नंबर 3 खराब नंबर नहीं है, लेकिन अगर वो उसको 5 पे वाइब्रेट करेंगे तो उनको ज़्यादा नेम एंड फेम मिलेगा। यहाँ हमें वो दिखेंगे नेगेटिव रोल में, न्यूमरोलॉजिकली वाइज उनको डेफिनेटली बेनिफिट है। आइए देखते हैं टैरो क्या कहता है कि लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी, हैज ही डन अ गुड जॉब और नॉट। डेफिनेटली लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी, पता नहीं क्यों मगर मुझे दिख रहा है कि उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी ये फिल्म करने में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, परेशानी थी, मुझे काफ़ी परेशानी वाले कार्ड्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल ही वॉज एबल टू डिलीवर वॉट ही हैड टू गिव, सो पीपल विल डेफिनेटली लाइक हिज वर्क, मे बी नॉट टू द एक्सटेंट विद ही वॉन्टेड, बट डेफिनेटली ही हैज डन अ गुड एक्टिंग इन दिस फिल्म। इस फिल्म की जो हीरोइन है तानिया मनिकतला, अगर हम इनका टोटल देखें तो आता है नंबर 7 पे, और फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ तानिया मनिकतला का डेट ऑफ बर्थ है 7th of July 1997। देखिए नंबर 7 है, ये जो दो केतु के नंबर है ना ये उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू डू समथिंग इन द फिल्म लाइन, काफ़ी नेम एंड फेम हो सकता है, बट क्योंकि 3 बार 7 है इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएगा, इन्हें ऊपर जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 7 देखो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत प्यारा है,
इनको डेफिनेटली नेम एंड फेम देगा, लेकिन तीन बार साथ होने की वजह से इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस अगर हम देखें तो इनका नेम निमोलॉजी भी साथ पे आ रही है, तो अब इसकी वजह से इन्हें काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि 5 या 6 पे आप अपना कॉम्बिनेशन कीजिए तो आपको बेनिफिट रहेगा। इनका कॉम्बिनेशन 7 और 4 का है। 7 और 4 का जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले कहा था काल सर्प दोष का है, तो इनको कुछ रुद्राक्ष पहनने चाहिए टू ऑफसेट दिस एंड चेंज हर नेम निमोलॉजी। अगर मैं न्यूमोलॉजी वाइज देखूं तो इनको 50-70% बेनिफिट आ रहा है जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है। आइए देखते हैं एज एन एक्ट्रेस क्या लोग उनका काम पसंद करेंगे, क्या लोगों को पसंद आएगा तान्या का काम इस फिल्म में। काफ़ी इमोशनली वाइज उन्होंने इस फिल्म में काम किया। आई थिंक सो शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गुड लुकिंग गर्ल, कार्ड वैसे आ रहे हैं, ठीक ठीक रहेगा उनके लिए। आई डोंट सी एक्सट्रीमली गुड, शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। ये फिल्म जो है उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल रही है, काफ़ी कुछ सीखा है उन्होंने फिल्म में, लेकिन वो जिस तरह से रिजल्ट चाहती थी उससे थोड़ा सा ही कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा उनको, लोगों को उनका काम पसंद आएगा। इस फिल्म में हमें दिखेंगे आशीष विद्यार्थी, अ ब्रिलियंट एक्टर, पार एक्सेलेंस। अगर मैं आशीष विद्यार्थी का टोटल देखूं तो आता है नंबर 7 पे, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ उनका जो टोटल आ रहा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 7। तो अगर मैं देखूं तो बार बार 7 नंबर जो है उनके डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी बार आ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो नेम न्यूमोलॉजी थोड़ा सा चेंज करें तो उनको शायद ज़्यादा काम मिल सकता है या उनको ज़्यादा नेम एंड फेम मिल सकता है। न्यूमोलॉजिकली वाइज ये जो डेट्स हैं उनको 60-70% का बेनिफिट दे रही हैं। आइए देखते हैं टैरो क्या कहता है, टैरो का क्या कहते हैं, हाउ उनकी जो एक्टिंग है वो लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। 110% लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी। इनफैक्ट शायद उन्होंने काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन किए हैं अपनी एक्टिंग में, या उन्होंने जो चेंज किया है जो डायरेक्टर ने बोला है उसके से थोड़े से अलग होकर किया है, बट इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर हिम। इज अ brilliant actor, brilliant mentor, and I think so people should take tips from him how to act, because it's going to be a very good film for him, people will like his work, aur ye film se unko aur films milne wali hain, ye mera unke liye prediction hai. Aaiye dekhte hain is film ko, Kill jo ye film hai usko hum kitne stars de sakte hain. Is film ko hum de sakte hain 3-4 stars, aur ye film jo hai ye kafi achhi film hai, thodi different hai. To ye tha किल मूवी का प्रिडिक्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। मेरे हिसाब से तो ये फिल्म ठीक ठाक है, अच्छी रहेगी, आपको जाना चाहिए फिल्म देखने के लिए, इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। और इनफैक्ट जाने के बाद हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म पसंद आई कि नहीं पसंद आई। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और न्यू मूवी प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।